नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। आपको बता दें कि आज बिहार में कैबिनेट की बैठक थी और सबसे महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है सातवें चरण के शिक्षक बहाली को लेकर। आपको बता दें कि 3 लाख शिक्षक बहाली को हरी झंडी मिल गई है। बहुत जल्द अब विज्ञापन आ जाएगा इसका। आपको बता दें चले कि आज कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में बिहार कैबिनेट ने यह फैसला लिया है कि जो शिक्षक नियमावली पास होने के बाद 3 लाख पदों पर शिक्षक की नियुक्ति होनी है उसको अप्रूवल दे दिया जाए। इसके लिए अब जल्द विज्ञापन जारी होगा। बताया जाता है कि नई नियमावली में कई बदलाव किए गए हैं। अब सभी विषयों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही अब सरकार ने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नियोजन इकाई को खत्म कर दिया है। अब शिक्षकों की नियुक्ति आयोग के माध्यम से होगी। इसके लिए जल्द ही आयोग का गठन किया जाएगा। अब जिला या प्रखंड स्तर पर नियोजन इकाई का प्रावधान नहीं रहेगा। नई नियमावली में 3 परीक्षाओं का प्रावधान किया गया है। 3 परीक्षा पास करने के बाद शिक्षक पूर्ण रूप से राजपत्रित कर्मचारी के कैडर में आ जाएंगे। इस प्रावधान से नियोजित शिक्षकों के सरकारी शिक्षक बनने की मांग पूरी हो जाएगी। आपको हम बताते चले कि बहुत बड़ा ये फैसला लिया गया है। जो कैबिनेट सूत्र हैं उनके अनुसार बिहार कैबिनेट ने बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई और सेवा शर्त नियमावली 2023 को मंजूरी दे दी है। शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी त्रुटि रहित बनाने के उद्देश्य से केंद्रीकृत एवं निष्पक्ष आयोग से कराने की रूपरेखा तैयार की गई है। इस नियमावली में शिक्षक नियोजन का अधिकार पंचायतों और नगर निकायों से वापस ले लिया गया है। पुरानी शिक्षक नियुक्ति नियमावली के तहत 9,222 नियोजन इकाइयां थी, जबकि नई नियमावली में नियोजन इकाइयों की संख्या जिलों की संख्या के बराबर अर्थात 38 रह जाएगी। सरकार नियुक्ति के लिए आयोग बनाएगी। अब अभ्यर्थियों को उस आयोग में केवल एक आवेदन करना होगा। इसी में वे स्कूल में पदस्थापना का विकल्प रखेंगे, जबकि पहले एक अभ्यर्थी कई नियोजन इकाइयों में आवेदन करने को मजबूर होता था। तो आयोग की स्थापना की बात की जा रही है और 3 फेज में परीक्षा होगा। यानी कहने का मतलब है कि बहाली की प्रक्रिया शुरू तो हो जाएगी, लेकिन इसमें लगेगा लंबा समय, क्योंकि 3 लाख शिक्षकों की बहाली करनी है। आयोग का गठन होगा, उसके बाद विज्ञापन निकाला जाएगा। विज्ञापन निकलने के बाद 3 फेज में परीक्षाएं होंगी और उसके बाद जो है वो शिक्षकों की बहाली हो पाएगी। तो कहने का मतलब है कि सरकार ने अप्रूवल तो दे दिया है, लेकिन निकट भविष्य में जो छात्र सोच रहे थे कि हमारी नौकरी बहुत जल्द हो जाएगी, वो होने का अभी जो इशारा जो है वो नहीं मिल रहा है। आपको बता दें अलग आयोग के द्वारा परीक्षा होने के उपरांत नौकरी दिया जाएगा। पहले की तरह नहीं है कि आपको नियोजन में जो है आपके अंक पत्र और जो आपने पास किया है TET ST ET उसके वेटेज के आधार पर आपको शिक्षक की नौकरी मिल जाएगी। कई फायदे हैं, तो वर्तमान में प्रोसेस लंबा होते हुए दिखाई दे रहा है। तो कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है नियमावली को। अब इंतजार है आगे आयोग को लेकर और उसके द्वारा जारी होने वाले विज्ञापन को लेकर। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जो भी अपडेट होगा हम देते रहेंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।